अच्छा जी, तो ये मैंने वो कोड ओपन कर लिया जो लास्ट हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मैथ तो ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में। अच्छा, अब हमारे पास ये जो मैथ तो ऑपरेटर्स के बाद जो टॉपिक है कवर करने के लिए वो है इफ़ एल्स, राइट। अच्छा, इफ़ एल्स जो है वो ज़ाहिर है जैसे हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है, जिस तरह आम ज़ुबानों में जैसे कि उर्दू में, इंग्लिश में कीवर्ड्स होते हैं, इसी तरह इफ़ और एल्स जो हैं वो दो कीवर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर आप कहता हूँ कि किसी से पूछता हूँ मैं कि क्या हाल है, तो मैंने ये जो जुमला पूरा बोला है क्या हाल है, ये तीन लफ्ज़ों से मिलके बना है, तीन वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। तो इसी तरह ये कीवर्ड्स होते हैं, इनसे मिलके जुमला बनता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जुमले को हम स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये इफ़ और एल्स दो कीवर्ड्स हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए हम पूरे स्टेटमेंट्स लिखेंगे। अच्छा, अब ज़रा एक मैं नया फोल्डर बना लेता हूँ और आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू करता हूँ कि मैंने कहा 7, कंडीशन चेकिंग विथ इफ एल्स, सही है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक फाइल बना देता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इस फाइल में एक अदद हेडिंग लगा देता हूँ मैं, कंडीशन चेकिंग जो है वो क्या है। और हम कंडीशन चेकिंग, हम ये तो आप इस हेडिंग से समझ गए होंगे कि हम अब कंडीशन चेकिंग करने लगे हैं और उसके लिए इफ़ एल्स का इस्तेमाल करेंगे हम, राइट। तो वॉइस डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन, अच्छा मेरे हिसाब से तो डिस्टॉर्शन नहीं है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ना अपलोड स्पीड 500 तक जा रही है, तो मतलब सही है, मेरे पास से साउंड बिल्कुल सही जा रहा है ना। बाकी लोग प्लीज़ बताइएगा अगर उनको भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं फिर ज़रा डिसकनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट कर लेता हूँ। सही है, ये लाल वाला जो ये अपलोड स्पीड है, तो अपलोड अगर 100 भी जा रहा हो तो मतलब वॉइस जा रही होती है फिर, सही। लेकिन ये 500 तक जा रहा है, इसका मतलब है ठीक है। बाकी लोग अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है आवाज़ में इनके अलावा, तो प्लीज़ बताइएगा ताकि फिर इसका कुछ इलाज किया जाए। अच्छा जी, जैसे रियल लाइफ में अगर आपको हाँ, रयान कह रहे हैं कि आवाज़ सही आ रही है, मतलब जो जिनको अगर डिस्टॉर्शन है ना, तो वो एक काम करें ज़रा डिसकनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट करें, ताकि वो आप समटाइम जो है ना गड़बड़ करता है। अच्छा, रियल लाइफ में क्या होता है कि आप जब भी कोई काम करते हैं ना, तो आप उसके लिए एक डिसीजन लेते हैं। सुबह से शाम तक आप एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, आप डिसीजंस ले रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे कि सुबह उठ के आज मैं क्या पहनूं, ये एक डिसीजन है। तो बताएं ज़रा कि क्या पहनूं, क्या पहनना चाहिए, सामने से ज़रा चैट में आप लोग जवाब दे सकते हैं मेरी बातों का। तो उसके लिए फिर आप देखते हैं कि आज दिन कौन सा है, ठीक है, और आज ओकेजन क्या है, महीना कौन सा है, उसके अकॉर्डिंगली आप फिर वो ड्रेस चूज़ करते हैं कि आज मैं क्या पहनूं। मिसाल के तौर पे आज अगर जुम्मे का दिन है तो शलवार कमीज़ पहनूं, सही है, और साथ में टोपी भी लगा लूं। अगर संडे का दिन है तो, संडे का दिन है तो शॉर्ट्स वगैरह पहनेंगे आप सम टाइम, ठीक है। अगर संडे को आपने कहीं शादी में जाना है, तो फिर शादी का ड्रेस एक अलग होता है। तो क्या पहनूं इज़ अ डिसीजन, इट डिपेंड्स ऑन लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स कि अभी क्या चल रहा है, वेदर पे भी डिपेंड करता है कि इस वक्त वेदर क्या है। अगर सर्दियों का मौसम है तो आप जाहिर है शॉर्ट्स तो नहीं पहन सकते सर्दियों में, तो आपको कोई मोटा ड्रेस पहनना पड़ेगा जो आपको अच्छी तरह कवर करे, सर्दी से बचें आप। अगर गर्मियाँ हैं बहुत ज़्यादा, तो आप गर्मियों में कोट पैंट नहीं पहन सकते, सूट नहीं पहन सकते आप, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, तो आप ये सुबह उठ के ना, ये सारी चीज़ें आपके जहन में, आप इन सारी कंडीशन से गुजर के आप ये डिसाइड करते हैं कि आज मैं क्या पहनूँ, ठीक है। हालांकि कितना सिंपल सा सवाल है कि आज मैं क्या, लेकिन आपने देखा कि कितना कुछ आपके जहन में होता है इस एक डिसीजन को लेते हुए। अच्छा, इसी तरीके से अब मैं अगर घर से निकल रहा हूँ, तो घर से निकलते हुए क्या मुझे छतरी लेकर जानी चाहिए,
बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी बारिशों का मौसम नहीं है। तो ये जो काम है ना, ये कंडीशन चेकिंग जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये आम ज़िंदगी में हम शायद हर घंटे कोई ना कोई हम डिसीजन ले रहे होते हैं, या हर लम्हे हम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ ना कुछ डिसीजन ले रहे होते हैं। तो प्रोग्रामिंग में भी हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे अगर आप एटीएम के सॉफ्टवेयर की मिसाल लें, सही है, एटीएम के सॉफ्टवेयर में जब एटीएम मशीन पे आप जाते हैं, उसमें आप अपना एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं, और तो वो सबसे पहला सवाल आपसे क्या पूछता है? सबसे पहला सवाल ये पूछता है कि यार अपना पिन एंटर कर दें आप, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे वो ये पूछता है। अच्छा, आपने पिन एंटर की, जो भी आपका पिन था वो एंटर कर दिया, तो उसके बाद वो उस पिन को चेक करता है। वो उस पिन को क्या करता है? चेक करता है कि आया कि आपने जो पिन एंटर किया है वो सही है या गलत है। तो यहाँ पे एक इफ़ इस्तेमाल हो रहा होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, जहाँ पे वो इफ़ लगा के चेक करता है कि इफ़ यूज़र इनपुट इज़ इक्वल टू पिन, क्या यूज़र ने जो भी इनपुट दिया है वो पिन से सिमिलर है या डिफरेंट है। अगर आप गलत पिन एंटर करते हैं तो वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता, वो वहीं पे रोक देता है आपको। जब तक आप सही पिन एंटर ना कर दें, आपको वो आगे प्रोसीड नहीं करने देता है। तो यहाँ पे एक इफ़ लगा हुआ है। अच्छा, इस इफ़ से आप गुजरे, ये कंडीशन एक चेक हुई। मिसाल के तौर पे आपने सही पिन एंटर कर दिया, अब अगला इफ़ कहाँ पे है? अगली बात वो कहाँ क्या पूछेगा आपसे? अगली बात वो ये पूछेगा कि आप करना क्या चाहते हैं। मैंने कहा मैं पैसे विड्रॉ करना चाहता हूँ, मैंने क्लिक कर दिया पैसे विड्रॉ करने पे। अब वो मुझसे अमाउंट पूछ रहा है। अमाउंट मैंने एंटर किया, मिसाल के तौर पे 20,000 अमाउंट एंटर कर दिया मैंने। अब 20,000 एंटर करने के बाद जब मैं ओके दबाऊंगा ना, तो यहाँ पे कई सारी कंडीशंस चेक होंगी, उसके बाद वो पैसा बाहर आएगा। मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो वो ये शायद चेक करेगा कि आपका जो बैलेंस है इस वक्त, उसमें 20,000 मौजूद है या नहीं है। पता चला आपके बैलेंस में 18,000 है, तो 20,000 वैसे ही ख़त्म, डिनाई हो जाएगा ना, वो आपको निकालने नहीं देगा। वो कहेगा इनसफिशेंट बैलेंस, ठीक है, प्लीज़ एंटर बिलो 18,000, इस तरह कुछ ना कुछ आपको वो बोलेगा। तो नंबर एक इफ़ ये हो गया, बैलेंस जब आप विड्रॉ करेंगे तो पहला इफ़ तो वो ये चेक करेगा कि आपके अकाउंट में क्या इनफ बैलेंस मौजूद है जितना आप निकालना चाह रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद वो ये चेक करेगा कि जो एटीएम मशीन में क्या इतने पैसे मौजूद हैं जो आप निकालना चाह रहे हैं। आपके बैलेंस आपके अकाउंट में तो हैं, शायद मिसाल के तौर पे 1,00,000 रुपये पड़े हुए हैं आपके अकाउंट में, लेकिन जिस मशीन पे आप खड़े हुए हैं उस मशीन में 20,000 मौजूद है या नहीं है, ठीक है? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मशीन में नोट ही ख़त्म हो। तो अगला इफ़ वो क्या चेक करेगा, मे बी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वो क्या होता होगा, लेकिन कुछ इसी तरह का होता होगा, और इस तरह के कई और चेक्स लगे हुए होंगे उसमें। तो मे बी वो दूसरा इफ़ ये चेक करे कि क्या इस मशीन में, जिस मशीन पे आप खड़े हुए हैं, इस मशीन में जो डब्बा लगा हुआ है नोटों का, उस डब्बे में क्या 20,000 मौजूद हैं। अच्छा, ये एक इफ़ है। ये कोई भी एक इफ़ अगर फेल होगा ना, तो आपको वहीं पे रोक देगा वो, वहाँ से आपको और आगे नहीं जाने देगा। तीसरा इफ़ मे बी वो ये चेक करे कि आपके जो कार्ड की लिमिट है वो कितनी है एक दिन की, सही है? क्योंकि जो कुछ कार्ड्स होते हैं उसकी लिमिट 20,000 होती है, कुछ कार्ड की लिमिट जो है वो 50,000 होती है, कुछ की 1,00,000 होती है, कि इतने से ज़्यादा आप एक दिन में विड्रॉ नहीं कर सकते। तो मे भी शायद वो ये वाला इफ़ चेक करें कि हाँ यार इनकी जो लिमिट है वो मिसाल के तौर पर 50,000 है अगर। तो ये तीन चार आपने देखा इफ़ लगा हुआ है, ये चेक्स हो रहे हैं सारे। शायद और भी कई सारे इफ़ हों जो अभी मेरे जहन में नहीं आ रहे। मिसाल के तौर पर एक इफ़ उसमें ये भी हो सकता है कि तो ये आपको मोटा मोटा एक आइडिया हो गया कि अच्छा यार जो कंडीशन चेकिंग होती है वो प्रोग्रामिंग में कहाँ पे इस्तेमाल हो रही होती है, और प्रोग्रामिंग में कंडीशन चेकिंग क्यों ज़रूरी है। अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास ये कंडीशन चेकिंग का ऑप्शन ना हो अवेलेबल, कंडीशन चेक करने की सहूलत मेरे पास मौजूद ना हो अगर प्रोग्रामिंग में, तो मैं ये चीज़ें कैसे चेक करूँगा कि इसमें बैलेंस जो है वो इनफ मौजूद है या नहीं है इस डब्बे के अंदर जहाँ से आप निकालना चाह रहे हैं। तो ये तो हो गई थोड़ी सी थ्योरी की बातें हो गई। अब हम एक काम करते हैं, हम कंडीशन यहाँ पे चेक करते हैं। एक सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, फॉर्म बनाना है। यूज़र इनपुट तो मुझे चाहिए ना, यूज़र इनपुट के बगैर तो कोई सॉफ्टवेयर बन ही नहीं सकता। यूज़र इनपुट लगा देता हूँ मैं, मैंने कहा नंबर, ठीक है जी, और मैंने कहा कि एंटर योर पिन। ये इमेजिन कर ले हम एटीएम मशीन बना रहे हैं ए टी एम मशीन बना रहे हैं हम। हमने कहा कि यार H3 ATM,
एटीएम मशीन, सही है, एटीएम मशीन बना रहे हैं यहाँ पे। और एटीएम मशीन हमसे कह रही है कि यार एंटर योर पिन, अच्छा एंटर योर पिन के बाद एक बटन, ठीक है कंफर्म के एंड पिन लिख के आप कंफर्म का बटन प्रेस करेंगे, सही है। और इस फॉर्म के ऑन सबमिट के ऊपर चेक पिन का एक फंक्शन होगा, ठीक है चेक पिन ये चलेगा इसके ऑन सबमिट पे। और इस पे मैं रिटर्न फॉल्स लगा देता हूँ ताकि मेरा पेज रिफ्रेश ना हो इसको क्लिक करने पर, राइट। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपसे जिक्र किया था कि अगर आप ये इनपुट, ये जो यूज़र इनपुट और आउटपुट वाला अगर काम आपने नहीं किया तो आपको आगे की क्लास समझ में नहीं आएगी, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा था, ठीक है। अब हर क्लास में हम इस तरह इनपुट लेंगे यूज़र से और उसके ऊपर आप सारा काम होगा। अच्छा जी, अब ये चेक पिन जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है वो मुझे नीचे फंक्शन बनाना भी पड़ेगा, ठीक हो गया जी। अब चेक पिन में सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस इनपुट में से मुझे सबसे पहले वैल्यू उठानी है, तो मुझे इस इनपुट को एक अदद आईडी देनी पड़ेगी, सही है यूज़र इनपुट पिन, सही है ये मैंने इसको आईडी दे दी। उसके अलावा इसमें मुझे कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है पिन लिखे बगैर एंटर करेंगे तो वो एंटर नहीं होना चाहिए, उसको रोक देना चाहिए, तो उसके लिए मैंने रिक्वायर्ड लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। और पिन जो मिनिमम लेंथ जो होनी चाहिए वो 4 होनी चाहिए इसकी ना, सॉरी मिन लेंथ इसकी 4 होनी चाहिए, ठीक है, और मैक्स लेंथ भी इसकी 4 ही होनी चाहिए, कि 4 से ज़्यादा भी नहीं लिख सकता बंदा और 4 से कम भी नहीं लिख सकता। अगर 4 से ज़्यादा डिजिट लिखा या 4 से कम डिजिट लिखा बंदे ने तो वो उसको आगे बढ़ने ही नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास पिन 4 डिजिट का है, ठीक है जी। तो ये फंक्शन जैसे ही चलेगा मैं कहता हूँ कॉन्सोल कॉन्सोल डॉट लॉग आई एम चेकिंग पिन, सही है आई एम चेकिंग पिन। जब जैसे ही ये एंटर हो जाएगा तो ये लिखा हुआ आ जाना चाहिए। अभी यहाँ पे हम मज़ीद काम करेंगे, यहाँ पे हम वो जो यूज़र ने इनपुट लिखा है वो इनपुट यहाँ पे हम उठाएंगे, और इनपुट उठाने के बाद हम यहाँ पे उसको चेक करेंगे, और चेक करके यूज़र को हम क्या दिखाएंगे उसका आउटपुट दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम इसको इतना चला के देख लेते हैं कि ये चलना शुरू हो गया है कि नहीं हो गया। मैंने कहा कि कॉपी पाथ, ओ ओ ये क्या हुआ, अच्छा ये मैंने चेंज किया हुआ है, ठीक है जी। तो ये मेरे पास इस वक्त एटीएम मशीन का एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है जिसमें मेरे पास पहली स्क्रीन में लिखा हुआ है एंटर योर पिन, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू लिखता हूँ, और टू लिख के मैं क्या करता हूँ, टू लिखने के बाद मैं कन्फर्म का बटन प्रेस करता हूँ, तो ये सबमिट हो गया। ऐसा कैसे हुआ है, इसको तो मैंने बोला था कि 4 से, अच्छा ओके आई गॉट इट। ये मिन लेंथ और मैक्स लेंथ तो वो उस पर लगता है नंबर वाले पे, इस पर नहीं लगता ये, सही है। ये मिन लेंथ और मैक्स लेंथ जो है ना इसके ऊपर नहीं, तो इसमें मुझे मिन लगाना पड़ेगा मुझे, सही है। नंबर के ऊपर ये मिन मैक्स लगता है, तो मिसाल के तौर पे अगर बंदा 4 डिजिट का पिन एंटर करता है तो अच्छा ये फिर नंबर भी तो नहीं होगा ना, नंबर तो होगा वेल, अच्छा इसका मतलब है मैं यहाँ पे ये वैलिडेशन नहीं लगा सकता, यहाँ पे मैं ये वैलिडेशन नहीं लगा सकता हूँ। अच्छा तो मुझे फिर ये वैलिडेशन नीचे लगानी पड़ेगी, मैं यहाँ पे कह देता हूँ सिर्फ रिक्वायर्ड है, सिर्फ यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि रिक्वायर्ड है। अच्छा अब यहाँ पे मैं अगला काम क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, सही है जो भी मैंने नाम लिखा था यहाँ पे, बल्कि गेट एलिमेंट बाई आई डी की जगह हम वो क्वेरी सेलेक्टर लिखते हैं, वो नया वाला है ना क्वेरी सेलेक्टर, अब ज़्यादातर लोग ये यूज़ करते हैं। मैंने कहा हैश और मैंने कहा कि यूज़र इनपुट पिन डॉट वैल्यू,
ये मैंने जो भी यूज़र ने इनपुट दिया था उसको एक उठा के एक वेरिएबल में लेकर आ गया मैं। अब इस वेरिएबल के ऊपर मुझे ना क्या लगाना है, इफ़ लगाना है, डिफरेंट किस्म के इफ़ स्टेटमेंट्स मुझे यहाँ पे इसको लगा कर बताना है, ठीक है। अब सबसे पहला इफ़ क्या लगेगा, सबसे पहले तो ये लगेगा कि भाई 4 डिजिट का हैवी कि नहीं है वो, तो मैं इसको बोलूँगा यूज़र इनपुट का जो पिन है डॉट लेंथ अगर छोटा हो जाए 3 से, ठीक है। जो भी सर ये हैश का यूज किया है सर, ये क्वेरी सेलेक्टर है ना, डॉक्यूमेंट ये बात हो रही है कि HTML का डॉक्यूमेंट जो है ना, ये उसकी बात हो रही है डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं क्वेरी लगा रहा हूँ। क्वेरी का मतलब होता है कि तलाश करके लाया जाए, ठीक है। क्वेरी का मतलब होता है पूछना, डॉक्यूमेंट से मैं पूछ रहा हूँ या उसको बोल रहा हूँ कि लेकर आओ, क्या लेकर आओ, यूज़र इनपुट पिन के नाम से जो आईडी है ना, ये जो आईडी है यूज़र इनपुट पिन, ये हैश का मतलब है कि आईडी की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला पूरा एलिमेंट मंगवाओ और उसके डॉट वैल्यू, क्योंकि ये एलिमेंट जो है एक इनपुट बॉक्स है, तो इसके ऊपर जब मैं डॉट वैल्यू लगाऊंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, इस इनपुट बॉक्स में जो भी बात लिखी हुई होगी ना, टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये टेक्स्ट जब मुझे मिलेगा तो ये मुझे मिलेगा स्ट्रिंग की फॉर्म में, ठीक है। स्ट्रिंग आप सब लोगों को पता है, हमने एक नंबर वेरिएबल पढ़ा था, एक स्ट्रिंग वेरिएबल पढ़ा था, तो ये स्ट्रिंग की फॉर्म में पड़ेगा। स्ट्रिंग के ऊपर जब आप डॉट लेंथ लगाते हैं तो आपको उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है वो पता चल जाता है आपको, ठीक है। तो लेंथ क्या होनी चाहिए, छोटी अगर है 4 से बल्कि ना, ठीक है, अगर तो ये 4 है, अगर यहाँ पे 4 है तो 4 से छोटा नहीं होता, ठीक है। लेकिन इमेजिन करें अगर यहाँ पे इस तरफ 3 आ जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, ये इफ़ ट्रू हो जाएगा। तो मैं इसको बोलता हूँ कि भाई यूज़र इनपुट डॉट लेंथ अगर छोटा है 4 से, तो आप क्या करो, कॉन्सोल डॉट लॉग पे ये बात प्रिंट करवाओ कि भाई यू मस्ट एंटर 4 डिजिट पिन नंबर, राइट। अच्छा, ये बात मुझे स्क्रीन पे भी डिस्प्ले करवानी है। मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए क्या करूँगा, ये जो फॉर्म मेरा बना हुआ है, इस फॉर्म के नीचे मैं क्या बना दूँगा, एक मे बी H4 यहाँ पे एक बना दूँगा मैं। H4 हेडिंग की एक फॉर्म होती है और उसको मैं आईडी दे दूँगा एरर मैसेज, ठीक है। एरर मैसेज का मैं इसको एक यहाँ पे आईडी दे दूँगा। अच्छा, तो ये चीज़ मुझे कॉन्सोल पे प्रिंट नहीं करवानी, ये चीज़ मुझे कहाँ पे प्रिंट करवानी है, मुझे एरर के मैसेज पे प्रिंट करवानी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, और मैंने कहा कि हैश, इसका नाम क्या रखा मैंने, एरर मैसेज, ठीक है, डॉट इनर HTML इक्वल्स ठीक हो गया। तो मैंने ये कर दिया, अब ज़रा हम ये करके देखते हैं कि चलता है कि नहीं चलता। मैंने अब लिखा 2, कंफर्म का बटन जैसे ही दबाया तो इसने लिखा कि यू मस्ट एंटर 4 डिजिट पिन नंबर, ठीक है। तो एक चेक हमने, सबसे पहला चेक लगा दिया, आगे इसको बढ़ने नहीं देगा ये। अच्छा, अगला चेक मुझे क्या करना है कि भाई पिन की जो लेंथ है वो 4 से छोटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन 4 से बड़ी भी तो नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा अगर ये क्या हो जाए, बड़ा हो जाए अगर 4 से, तो भी मुझे यही बात बोलनी है इसको, ठीक है। 4 से अगर ये बड़ा हो जाता है तो भी मुझे यही बात बोलनी है इसको, ठीक है। अब आते हैं ज़रा इसको चेक करते हैं। अब मैं अगर 4 से बड़ा डिजिट लिख दूँ, 1, 2, 3, 4, 5 लिख दूँ अगर, तो ये क्या बोलेगा मुझे कि एंटर 4 डिजिट पिन नंबर, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको 1, 2, 3, 4 4 डिजिट का दूँ तो मुझे ये कोई एरर का मैसेज नहीं दे रहा है। तो मैंने ये तो लगा लिया कि यार एग्जैक्टली 4 डिजिट का मिले जब ही वो आगे बढ़ेगा, उसके अलावा वो आगे बढ़ने आपको नहीं देगा। अच्छा, उसके बाद मुझे क्या चेक करना है, उसके बाद मुझे ये चेक करना है कि सिस्टम के अंदर ज़ाहिर है एक पिन होगा कोई ना कोई, आपके अकाउंट का कोई ना कोई पिन होगा। तो मैंने कहा कि यार आपका जो अकाउंट का पिन है ना, वो क्या है, वो है जस्ट एक इमेजिन कर लेते हैं 5112, सही है। एक हमने इमेजिनरी ATM पिन लगा दिया और हमने कहा कि अगर इक्वल इक्वल्स इक्वल्स यूज़र इनपुट की जो पिन है, जो बंदे ने दी है यूज़र इनपुट पिन, अगर वो
एग्जैक्टली क्या हो, 5112 हो जाए अगर, तो आपको क्या कर देना है, आपको यहाँ पे बोलना है कि करेक्ट पिन नंबर, सही है। और इसके साथ साथ एक क्या लगा देना है आपको, ग्रीन कलर का एक इमोजी भी लगा देना है यहाँ पे। ये इमोजी क्यों नहीं आ रहा इसमें, ये आपने लगा देना है अगर, सही है। 5112 अगर एग्जैक्टली बंदे ने लिखा है तो ये लगा देना है, सही है, करेक्ट पिन। अगर 5112 के अलावा कुछ भी लिखा है, 1234 लिखा है बंदे ने, तो ये कुछ भी नहीं दिखा रहा। तो मुझे उस केस में भी दिखाना है कि यार अगर क्या हो, अगर पिन हो नॉट इक्वल टू 5112 हो, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, इनकरेक्ट पिन, इनकरेक्ट पिन नंबर। और यहाँ पे मैं इमोजी भी एक दिखा दूँगा चुनना चुनना सा। ये इतना लेट क्यों आता है, सही है। ये मैंने क्रॉस का इमोजी लगा दिया यहाँ पे, करेक्ट। अगर पिन 5112 के इक्वल नहीं है, कुछ भी है, डजंट मैटर के कुछ भी है 5112 के अलावा, तो वो क्या करे, वो बोले कि इनकरेक्ट पिन है, इनकरेक्ट पिन हो गया। अच्छा, अब ज़रा अज़ान हो रही है तो हम थोड़ी देर खामोशी कर लेते हैं अज़ान के लिए, उसके बाद हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ये इमोजी की कोई प्लगइन है, कोई ये एक्सटेंशन है?
हेलो, क्लास ऑन है अभी? अच्छा जी, तो भाइयों और दोस्तों, सर, इसमें एक क्वेश्चन ये था कि हाँ ये जो इमोजीज हैं, आप जो एक्सटेंशन यूज करते नहीं, मेरे कीबोर्ड में ये एक बटन है इमोजी का। वैसे मतलब जस्ट इन केस अगर आपको इमोजी आप लिखेंगे ना गूगल पे, तो भी ये सारे आ जाते हैं, ये getemoji.com। तो यहाँ से आप कॉपी करके भी ला सकते हैं। ये मैंने इसको पकड़ा और कॉपी किया, और मैं कहीं भी लाके पेस्ट करूँगा तो ये पेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। वो HTML में ऐसे क्या आएगा? इमेज आएगा क्या? एक इमोजी आएगा। इमोजी असल में इमोजी इमेजेस नहीं होते ना, इमोजी जो है वो ABCD की तरह होता है। वो अभी यूनिकोड जो है ना नया वाला, इसमें उसको शामिल कर लिया गया है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च भी करूँगा ये ना, यूनिकोड। क्रॉस लिख के मैं सर्च करूँगा ना, तो ये सारे आ जाएंगे। सही है, हर तरह के क्रॉस आ गए, क्रिश्चियन वाले क्रॉस भी आ गए इसमें। ठीक है, तो ये मैंने, सेकेंडली ये कि अगर हम मिन में हम 4x0 और मैक्स में 4x9 लिखते, तो ये उससे मिल जाना, या 0 4x9। नहीं, मिन में अगर हम 0 लिखेंगे ना 4 टाइम, जैसे मिन, ये मैंने 4x0 लिख दिया। अगर तो अगर कोई बंदा अगर 1 एंटर करता है, तो वो इससे बड़ा है ना, तो वो एक्सेप्टेबल है फिर। ठीक है, मैं आपको ये करके भी हम दिखा, अगर मैक्स में लिखते हैं, मैक्स में लिखते हैं 4x9। मैक्स में ये ले 4x9 लिख दिया, लेकिन इससे भी मसला हल नहीं होगा। चलें, ये तो चलें हाँ, वो काम बीच की करेगा वैल्यू कि इसमें। हाँ, 9 9 अगर 4 दफ़ा है ना अगर, तो ये तो चलो सही एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये मिन काम नहीं करेगा। मैक्स तो ये काम कर जाएगा। अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 डिजिट दूँ ना, तो ये बोलेगा कि भाई मैक्स जो है वो 9 9 4 दफ़ा है। लेकिन अगर मैं इसको 1 देता हूँ, तो ये 4 दफ़ा 0 से बड़ा है वैल्यू, है ना। तो ये देखें, आगे जाने दिया इसको, ये इसको वैलिडेशन वाला ऐसा सही है। मैसेज नहीं दिया इसने। तो इस मिन का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, मैक्स हम लगा सकते हैं, लेकिन वेल, जब हम मिन नहीं लगा सकते, तो फिर मैक्स भी यहाँ लगाने का सेंस नहीं है। फिर दोनों ही हमने नीचे लगा दिया ना, मिन भी और मैक्स भी दोनों हमने नीचे लगा दिया। ठीक है, उसके अलावा हमने ये यूज़र को एक वो दे दिया, क्या कहते हैं, उसको चेक करके बता दिया कि 5112 के इक्वल है आपका पिन या नहीं है। अच्छा, ये जो पिन अभी तो मैंने हार्ड कोडेड लिख दिया है, हाथ से लिख दिया है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता, जो बंदा कार्ड इंसर्ट करता है, हर बंदे के जो कार्ड पे एक नंबर होता है अकाउंट का, जाहिर है, तो उस अकाउंट के अगेंस्ट डेटाबेस के अंदर ये पिन होता है, वो वहाँ से उठ के आ रहा होता है। वेल, अभी तो हमने डेटाबेस वगैरह नहीं पढ़ा, तो अभी मैंने इसलिए ये पिन हाथ से लिखा है। अदरवाइज़ ये पिन हाथ से यहाँ पे नहीं लिखा हुआ होता है, ये हर यूज़र के लिए अलग होता है। ठीक है, जो यूज़र कार्ड इंसर्ट करता है, उसके लिए, हर यूज़र के लिए अलग पिन होता है ये। लेकिन अभी काइंड ऑफ हमने क्या कर लिया, एक छोटा सा ATM टाइप का हमने सॉफ्टवेयर क्या कर लिया, यहाँ पर तैयार कर लिया। ठीक है, और एक काम मैंने और भी नहीं किया, एक काम और मैंने ये नहीं किया कि अगर मैं एक बार लिखता हूँ ना 5112 और कंफर्म करता हूँ, तो ये लिखा हुआ आ गया। अब अगली बार जब मैं कुछ भी एंटर करूँगा, मैंने कहा 1 2 3 4 1 1 1 एंटर कर दिया मैंने, अभी सही कैसे चल रहा है। सर, सलाम वालेकुम सर। वाइन सलाम सर, इसमें कितने नंबर हम ऐड कर सकते हैं? करेक्ट पे नहीं आ रहा है, ये वाला क्यों नहीं आ रहा, ये क्या गड़बड़ की है मैंने? ये फॉल थ्रू है ना, इफ के बाद वो। नहीं, ये 2 3 को तो यहाँ रुक जाना चाहिए ना, कि इसकी लेंथ जो है 4 से कम पे, उस पर रुक जाना चाहिए। ओके, गॉट इट, ओके गॉट इट। ये हो रहा है, ये असल में कि ये वाला इफ चेक करके, फिर ये नीचे वाला भी कर रहा है, ये सारे इफ को चेक कर रहा है। फॉल ठीक है, थ्रू हो रहा है, केस लगाना भी तो हाँ, इसको हमें यहाँ पे रोकना पड़ेगा, रिटर्न, राइट।
अच्छा अभी हमने फंक्शन जो है ना अभी हमने कवर नहीं किया है क्लास में, ये जब हम फंक्शन कवर करेंगे फंक्शन का कीवर्ड, तो ये रिटर्न हम उस वक्त डिटेल में पढ़ेंगे कि ये रिटर्न क्या चीज़ होती है ना। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप इसको ना ऐसे ही समझें, असल में रिटर्न से क्या होता है, ये फंक्शन अगर ये इफ़ मैच हो जाता है तो इससे आगे बढ़ने नहीं देगा फंक्शन को, यहीं पर वो ख़त्म कर देगा, यहीं पर फंक्शन को रोक देगा। अब इसको सही चलना चाहिए, 2 3 लिखा मैंने तो ये यहाँ पर आ गया, 2 3 के आगे एक और 2 3 लिखा तो इनकरेक्ट बन गया। 5 1 अगर हम एल्स इफ भी यूज़ करते हैं तो गुड भी चल जाएगा। हाँ एल्स इफ भी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा तो हमने अभी फ़िलहाल क्या देख लिया, हमने ये देखा कि एक इफ़ का जो प्रोग्राम है वो हम किस तरह करके लिखते हैं। अब अगला काम हमने ये करना है कि इस इफ़ के एक एक वर्ड को समझना है कि एग्जैक्टली इस इफ़ का जो एक एक वर्ड है और एक एक कैरेक्टर जो मैंने एक एक बात यहाँ लिखी है वो असल में क्या लिखी है और वो किस तरह से काम कर रही है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको बंद करके नीचे एक अलग से मैं इफ़ यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा जूम इन भी कर लेता हूँ। देखें ये जो इफ़ है ये एक कीवर्ड है, राइट अच्छा इस कीवर्ड के आगे एक गोल ब्रैकेट ओपन और क्लोज हुई भी है। ठीक है, इस गोल ब्रैकेट ओपन और क्लोज के दरमियान इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए एक अदद बूलियन। हम बूलियन डेटा टाइप हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने शुरू में एक पढ़ा था, बूलियन जो है वो क्या होता है, ट्रू या फॉल्स होता है, उसके अलावा कोई तीसरी चीज़ उसमें नहीं हो सकती बूलियन के अंदर, तो उसको चाहिए यहाँ पर ट्रू या फॉल्स। ठीक है, इन दोनों ब्रैकेट के दरमियान में इसको क्या चाहिए, इफ़ को ट्रू या फॉल्स इसको चाहिए। अच्छा अगर तो इस ब्रैकेट के अंदर ट्रू लिखते हैं हम या ट्रू मिलता है इसको, तो क्या होगा, इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक जो भी कोड होगा, ठीक है, कॉन्सोल डॉट लॉग आई एम इफ बॉरी। ठीक है, अगर ये इफ़ ट्रू होता है तो ये जो भी बॉडी में बात लिखी हुई है ये चल जाएगी, अगर इफ़ फॉल्स होता है तो ये बॉडी की जो बातें हैं सारी इसको स्किप कर देगा। ठीक है, अच्छा अभी इस बॉडी के अंदर एक लाइन का कोड लिखा हुआ है, इसके अंदर 2 लाइन का, 5 लाइन का, 10,000 लाइन का कोड भी हो सकता है। ठीक है, इस बॉडी की जो लेंथ है उसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, बॉडी में आप कितना भी कोड रख सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत है, हमें फ़िलहाल एक लाइन से काम हो रहा है तो हमने एक लाइन लिखा है। अच्छा अब कभी भी ये ट्रू हम ऐसे हाथ से नहीं लिखते हैं, ये ट्रू जब हम हाथ से लिखेंगे तो होगा क्या, हाथ से हम लिखेंगे तो ये होगा कि अगर मैं इसको आगे यहाँ पे रिफ़्रेश करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिखा हुआ आ गया, आई एम इफ़ बॉडी ये लिखा हुआ गया, और ये हमेशा ट्रू रहेगा, ये कभी भी फॉल्स नहीं होगा। आप देखें ये आई एम इफ़ बॉडी लिखा हुआ रहा है हर दफ़ा, तो ये कभी भी फॉल्स क्या होगा, ये नहीं होगा। तो इसी वजह से, लेकिन हमने तो क्या करना है, इसको कभी ट्रू और कभी फॉल्स होगा। ये मिसाल के तौर पर जब बंदा सही पिन एंटर करे तो वो उसको आगे जाने दे, जब गलत पिन एंटर करे तो उसको रोक दे, हमें तो ये वाला चीज़ चाहिए। तो हम कभी भी यहाँ पे हाथ से ट्रू फॉल्स नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पे यूज़र का इनपुट आमतौर पे हम यूज़ कर रहे होते हैं इसको ट्रू और फॉल्स को गेट करने के लिए। तो मिसाल के तौर पर हम एक देख देते हैं कि भाई यूज़र इनपुट हमारे पास एक होता है कोई ना कोई। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर वैसे ही एक वेरिएबल बना लेता हूँ, यूज़र इनपुट इक्वल्स टू 5। ठीक है, मैंने 5 लिख लिया, तो अब मैं यहाँ पे हाथ से ट्रू फॉल्स लिखने के बजाय मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा 5 अगर इक्वल्स इक्वल्स है, सॉरी यूज़र इनपुट अगर इक्वल्स इक्वल्स है 7 के। ठीक है, तो मैं ऐसे करके लिखता हूँ, मैं यहाँ पे एक अदद कंडीशन लगा देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब अगर कंडीशन की जहाँ पर बात हो रही है तो यहाँ पर कंपेरिजन ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है। दिस ये जो 3 इक्वल्स टू है ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर का यहाँ पे हमने जिक्र किया हुआ है। तो ये जो इफ़ एल्स है ये कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ मिलके चलता है, कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल्स टू। ठीक है, ये यही कंपैरिजन ऑपरेटर है जो लिखे हुए हैं यहाँ पे हमने, इक्वल्स टू के दो वैल्यू अगर बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल है, दो वैल्यू नॉट इक्वल्स टू एक दूसरे के इक्वल नहीं है, लेस देन ग्रेटर देन कि अगर एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से लेस है या ग्रेट है, या लेस देन और इक्वल टू है, या ग्रेटर देन और इक्वल टू है। ठीक है, तो हमारे पास ये 6 कंपैरिजन ऑपरेटर्स मौजूद हैं जिनका हम इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये मैंने ये बोला है कि अगर यूज़र इनपुट जो भी है अगर वो इक्वल्स इक्वल्स है 7 के, तो ये जो इतनी बात है क्या ये ट्रू है इस वक्त या ये फॉल्स है।
अच्छा ये अब जावास्क्रिप्ट इसको चलाएगा कैसे? जावास्क्रिप्ट ये करेगा, देखें ऊपर एक वेरिएबल बना हुआ है ना, यहाँ इस वेरिएबल का रेफरेंस आया हुआ है, यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम आया हुआ है, तो ये जब ये कोड रन होगा तो ये वेरिएबल का नाम हट जाएगा और वेरिएबल के अंदर इस वक्त यानी इस लाइन तक पहुँचते पहुँचते जो भी वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि 5। तो क्या 5 और 7 इक्वल हैं? नहीं, फॉल्स। ठीक है, तो ये जो इवेल्यूएट होगा, ठीक है, जैसे क्या होता है कि 2+2 जो है इवेल्यूएट होता है 4 पे, ठीक है, 2+2 इवेल्यूएट होता है 4 पे, तो ये 5 और ट्रिपल इक्वल्स टू 7 ये इवेल्यूएट होगा फॉल्स पे, और ये इफ़ की बॉडी रन नहीं होगी। ठीक है, वापस कंट्रोल ऐड करके मैं इसको चला के देखता हूँ, तो इस केस में ये वाली इफ़ की बॉडी रन नहीं होनी चाहिए। यूज़र ने अभी 5 इनपुट किया, यूज़र कल को कुछ और इनपुट भी दे सकता है, तो यूज़र जब एग्जैक्टली 7 इनपुट देगा जब ये चल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, तो मैंने रिफ़्रेश किया, यहाँ पे कोई कॉन्सोल नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर यूज़र किसी दफ़ा 7 इंटर कर देगा तो क्या होगा, फिर ये कोड चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, कंपैरिजन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा हमेशा कि कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करता है और कोई दूसरी चीज़ रिटर्न नहीं करेगा। ये मिसाल के तौर पे मैंने जो, जैसे अगर हम इस इक्वालिटी ऑपरेटर की बात करें, ठीक है, कंपैरिजन में हमारे पास कितने हैं, एक इक्वालिटी ऑपरेटर है, एक इनइक्वालिटी ऑपरेटर है, कि अगर नहीं होगा इक्वल तो ये ट्रू देगा। ठीक है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि अगर मैं बात करूँ लेस देन ऑपरेटर की, मैंने कहा 3 <4। ठीक है, कि 3 क्या है, लेस है 4 से, तो ये जो इवेल्यूएट होगा ना ये हमेशा ट्रू या फॉल्स पे ही इवेल्यूएट होगा। जैसे इमेजिन करें आप, अगर ये माइनस का ऑपरेटर होता तो माइनस का जो ऑपरेटर है अगर 3 है और बीच में माइनस है और 4 है, तो ये इवेल्यूएट होगा एक नंबर पे। ठीक है, वो नंबर कोई भी हो सकता है, एक नंबर पे इवेल्यूएट होगा। इसी तरह अगर हम लेस देन या ग्रेटर देन की अगर हम बात करें तो ये इवेल्यूएट किस पे होगा, या तो ट्रू पे होगा या तो फॉल्स पे होगा, यानी जब कोड रन होगा तो ये खुद हट जाएगा और इसकी जगह ऐसे एक फॉल्स लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ये चल रहा होता है। तो हम इफ़ की जो कंडीशन वाली जगह है इसके ऊपर हम क्या रख देते हैं, इसके ऊपर हम एक अदद कंडीशन लगा देते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के ज़रिए, और कभी वो ट्रू भी हो जाता है, कभी वो फॉल्स भी होता है। अगर वो ट्रू होता है तो ये बॉडी रन हो जाएगी, अगर वो फॉल्स होता है तो ये बॉडी रन नहीं होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ तक सब लोगों को समझ आया जो मैंने बात की? यहाँ पे एक ऐसा वाली ऑपरेटर भी हो सकता है। अच्छा, कौन मुझे बताएगा कि क्या अभी ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? सब लोग हैं क्लास में मौजूद हैं? कहाँ गई हमारी क्लास? ट्रू है। अच्छा, हमारे पास 17 लोग कनेक्टेड हैं, सही है। अच्छा, ये ट्रू है क्योंकि हमने कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या लगाया है कि इनपुट जो है वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए 7 के। तो इनपुट 7 है तो लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है ये। लेकिन अगर मैं सिर्फ लेस देन लगा दूँ तो क्या अब ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है सर। अब ये फॉल्स हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है। तो यूज़र का इनपुट जो कि 7 है इस वक्त, लेस है 7 से, ये बात गलत है। ठीक है, 7 से लेस नहीं है। ठीक है, अगर 6 होता है यहाँ पे या 6.999 भी होता तो वो भी क्या होता, लेस होता। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली 7 है, पूरा 7 है, तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, 7 के लेस नहीं है, 7 की इक्वल है। तो ये हमने देख लिया जनाब। इक्वल इक्वल जी, सॉरी, टू टाइम्स। अच्छा, टू टाइम भी इक्वल लगाते हैं ना, तो वो थ्री टाइम और टू टाइम दोनों इक्वालिटी ऑपरेटर्स है ना। लेकिन टू टाइम वाला ना नॉट रेकमेंडेड है, ये वाला जो है वो नॉट रेकमेंडेड है। ठीक है, आपने हमेशा थ्री टाइम वाला लगाना है। असल में क्या होता है, थ्री टाइम वाले में आपको टाइप सेफ्टी भी मिलती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपने ये स्ट्रिंग में 7 लिखा हुआ है, ठीक है, और ये नमेरिक 7 है, तो ये ट्रिपल इक्वल्स टू इसको टाइप डेटा टाइप को भी देखता है। ठीक है, लेकिन अगर आप डबल लगाएंगे ना इसको 2 = 2, तो वो बोलेगा ठीक है भाई दोनों इक्वल है। हालांकि दोनों इक्वल नहीं है, एक तरफ न्यूमेरिक 7 है और एक तरफ स्ट्रिंग में 7 है।
तो डबल इक्वल्स टू उसको बोलता है कि यार ये सही है, इक्वल है दोनों, ठीक है। लेकिन हमें इस चीज़ से बचना होता है, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में ये शामिल है कि आप हमेशा तीन इक्वल्स टू वाला इक्वालिटी ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। एक और चीज उसमें मुझे आ रही थी, ये जब भी हम नंबर टाइप के वेरिएबल को गेट करते हैं तो हमेशा वैल्यू जीरो, हम नल चेक इस तरह से, सॉरी नंबर टाइप की वैल्यू को जब गेट करते हैं तो क्या होता है? नंबर टाइप का एलिमेंट जो इनपुट कंट्रोल है, तो हम गेट करते हैं तो जीरो ही रिटर्न होता है, भले उसमें कोई वैल्यू हो या ना हो। अच्छा ये देख लेते हैं हम कि क्या है। ये जो यूज़र ने पिन इनपुट किया है इसको हम यहाँ पे कंसोल करवा देते हैं। अगर हमने को अनडिफाइंड या नल तरह की चेक्स लगा, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अगर बंदा कुछ ना लिखे तो ये क्या देता है। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा और मैं कंफर्म कर रहा हूँ, तो ये तो सबमिट करना ही नहीं दे रहा मुझे, तो ये तो सही है मसला, ओके। ये तो अगर मैं यहाँ पे जीरो लिखूंगा और एंटर करूंगा तब ये जीरो मुझे देगा। ये मेरे ख्याल से वैलिडेशन की वजह से कर रहा है, वो वैलिडेशन हटा दे रिक्वायर्ड लगाया ना सर। अच्छा मैं वैलिडेशन हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए ना, वैलिडेशन हटा देता हूँ, रिक्वायर्ड वैलिडेशन। ये इसको अनडिफाइन देना चाहिए वैसे ना, ये मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ और बगैर कुछ लिखे मैं कंफर्म दबा रहा हूँ, तो देखें इसने मुझे अनडिफाइन दिया है यहाँ पर, सही है, ये इसने मुझे अनडिफाइन दिया है। अनडिफाइन क्या आप तो वैल्यू गेट करेंगे? एक मिनट मैं इसको अभी ना वो करता हूँ, ये यू एंटर हटा के ना सिर्फ इसको अगर करूँगा ना तो फिर ये मुझे क्या देता है। अच्छा अनडिफाइन नहीं दे रहा मुझे, ये मुझे असल में दे रहा है एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहा है वो, क्योंकि हमने ऊपर उसको टास्क नहीं किया। क्या नहीं दिया हुआ है? तो आप कास्ट करें, अगर नंबर दिया हुआ है ना, मैंने टाइप नंबर दिया हुआ है। अच्छा कास्टिंग, अच्छा अच्छा टाइप कास्टिंग अगर मैं इसकी कर दूँ तो, ये ना टाइप कास्टिंग भी मैंने कर दी। यू एंटर्ड अ नंबर, हाँ यार नंबर कर दिया इसने, और नंबर में क्या कर दिया? जीरो आता है नंबर में, दे दिया इसने जीरो, रिफ्रेश नहीं किया मैंने, जीरो आ रहा है। तो देखें अब इसका ना एक तो तरीका ये है कि आप कास्ट करने से पहले इसका चेक लगा देना, कास्ट बाद में कर लें चेक। अच्छा बाय द वे अगर मैं इसको कास्ट कर लूँगा ना इस जगह पे तो ये सारे इफ चलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि लेंथ फिर ना नंबर की लेंथ नहीं होती ना, लेंथ तो स्ट्रिंग की होती है ना, तो ये सब चलना बंद हो जाएंगे। तो बेहतर ये मेरा ख्याल है कि हम क्या करें, ये सारे चेक वैक लगाने के बाद ना इसको आखिर में यहाँ पे हम कास्टिंग कर लें इसकी, टाइप कास्टिंग जो है, ठीक है आखिर में हम कर लें टाइप कास्टिंग, मतलब ऐसे करके यहाँ पे लगा लें या इस जगह पे इसकी कास्टिंग करके फिर अगले चेक कर लें, क्योंकि ये जो मैंने लेंथ लगाया हुआ ये भी नहीं मिलेगा कास्ट करने के बाद। अच्छा जब तक हम इसको कास्ट नहीं करते हैं तो जब तक इसका बिहेवियर ये मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग देता है ये, ठीक है, जब तक मुझे क्या देता है ये एम्प्टी स्ट्रिंग देता है। तो मैं एक यहाँ पे लगा लेता हूँ कि बल्कि लेंथ पे तो मैंने ऑलरेडी इसके चेक लगाया हुआ है, लेंथ पे अगर यहाँ पे लेंथ ना ज़ीरो आ जाएगी, आप देखें ये लेंथ यहाँ पे क्या आ रही होगी इसकी, ज़ीरो आ रही होगी, यू एंटर्ड और सामने इसकी जो है ना वो आ रहा होगा। ये मैंने रिफ़्रेश किया और मैंने बगैर कुछ लिखे एंटर किया तो आप देखें यू एंटर्ड क्या गया ना, ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो पे मैंने क्या लिखा हुआ है, यूज़र इनपुट की लेंथ लिखी हुई है मैंने, ठीक है। और अगर मैं लेंथ नहीं लिखता हूँ तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग को प्रिंट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग को इसने देखें प्रिंट किया, ये सेलेक्ट करता हूँ ना मैं तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट हुआ है। एक स्पेस तो मैंने दिया है यहाँ पे, ये वाला एक स्पेस मैंने दिया है और एक स्पेस ये वाला है, तो दो स्पेसेस आ रहे हैं यहाँ पे आप नोट करें अगर, तो ठीक है एक दो, ये दो स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको क्या करेंगे, पहली बात तो यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा देंगे ताकि जब कुछ ना लिखा हो तो वो सबमिट ही ना करने दे। उसके बावजूद अगर आप रिक्वायर्ड नहीं लगा सकते तो आप क्या करेंगे, जैसे ही वैल्यू उठाएंगे कास्ट करने से पहले उस पर एक इफ़ लगा देंगे कि उसकी लेंथ कहीं ज़ीरो तो नहीं है, ठीक है, और उसके बाद फिर आप उसको कास्ट करके जहाँ पे इस्तेमाल करना है वहाँ पे आप उसको इस्तेमाल कर लेंगे।
अच्छा तो जी, अब अगला मेरा सवाल क्या था, अगला मेरा सवाल ये था कि चलो ठीक है, हमने ये मान लिया कि इसको यहाँ पे क्या चाहिए होता है, बूलियन ही चाहिए होता है हमेशा, या तो इसको ट्रू चाहिए या तो इसको फॉल्स चाहिए। हम ट्रू फॉल्स हाथ से नहीं लिखते, हम कंडीशन लगा देते हैं, वो कंडीशन इवेल्यूएट होती है या तो ट्रू पे या तो फॉल्स पे। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ABC, या मैंने कार लिख दिया, तो क्या ये इफ अब ट्रू होगा या फॉल्स होगा? यानी मेरा सवाल ये है कि अगर बूलियन के अलावा, खुदा ना खास्ता गलती से इसको बूलियन के अलावा कुछ और मिल जाए, तो इस इफ का क्या बिहेवियर होना चाहिए? कोई अगर ऐसा क्लास में है जिसने थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है तो वो बताए, या वैसे ही अपना ओपिनियन दें आप। ये क्या गया दोस्त आप? अनडिफाइंड वैल्यू अगर परसीव होती है, अदरवाइज ये ट्रू ही होगा। अच्छा, तो एक दोस्त कह रहे हैं कि ये कार जो है वो ट्रू होना चाहिए। अच्छा, और ये कह रहे हैं कि सिर्फ अनडिफाइंड पे ये फॉल्स होगा, अदरवाइज अनडिफाइंड के अलावा कोई भी यहाँ पे कार हो, बस हो, कुछ भी हो, गॉड हो, का हो, ये सब पे ट्रू रहेगा। अच्छा, बाकी लोग क्या इनसे एग्री करेंगे? अपना माइक खोल के भी आप जवाब दे सकते हैं, और चैट में भी आप टाइप करके भी बता सकते हैं। मोहम्मद अदनान जी, अक्सा अच्छा, तो इसको चला के देखते हैं। मम्मी की आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। हमने एक तरफ का नंबर मेंशन किया हुआ है कि जो भी वैल्यू होगी वो नंबर्स में होगी, और अब हमने कार लिखा है, तो आई थिंक वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा इसको। नहीं, वो ऊपर वाला फंक्शन वो अलग है ना, ये अलग से कोड लिखा है हमने, ये अलग से प्रैक्टिस कोड लिखा है हमने। बल्कि इसको मैं कट करके एक और नई फाइल में ले उसमें जाता हूँ, इसको मैं एक नई फाइल में ले जा रहा हूँ, इसको मैं ना एक नई फाइल बना देता हम हूँ। एक नई फाइल में ले जा रहे हैं, और वहां पे हमने मेंशन ही नहीं किया कि आया हम नंबर डालेंगे या टेक्स्ट डालेंगे, तो आई थिंक फिर तो वो ट्रू ही करेगा क्योंकि उसके पास भी इंस्ट्रक्शंस ही नहीं है। नहीं, मेरा सवाल असल में ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि अगर इसको यहाँ पे ट्रू फॉल्स नहीं मिलता है, मिसाल के तौर पे मैंने कहा टू प्लस टू कर दिया, अगर यहाँ पे मैंने मैंने टू लेस देन टू के बजाय मैंने टू प्लस टू कर दिया, ठीक है, या इमेजिन थोड़ा मैं आपको और बेहतर तरीके से सवाल पूछता हूँ, यूज़र इनपुट इक्वल्स टू यहाँ पे है 5 6 है जो भी है, ठीक है, तो मैंने कहा कि यूज़र इनपुट और मैंने लेस देन टू से के बजाय मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ऑपरेटर तो ये भी एक है, तो क्या ये एरर दे देगा, क्या ये उसको बोलेगा कि नहीं यार ये रेड कलर का एरर लिखा हुआ आ जाएगा, या इसको ये फॉल्स कंसिडर करेगा या इसको ये ट्रू कंसिडर करेगा? तो मेरा ये क्वेश्चन है कि गलती से अगर बूलियन के अलावा कुछ और इसको मिल गया तो इसका क्या बिहेवियर होगा? ऐसे ओपिनियन है, ब्रेन स्ट्रोमिंग है, इसमें कोई सही गलत नहीं है, जस्ट ये एक क्वेश्चन है, आप लोगों का ओपिनियन है ये। फॉल्स करेगा जी, हाफिज रियान सर, ये चेक करेगा ट्रू की वैल्यू है या फॉल्सी वैल्यू है, अगर तो फॉल्सी वैल्यू होगी जावास्क्रिप्ट की तो फिर ये फॉल्स रिटर्न करेगा ना ट्रू होगा। और ट्रू की वैल्यू कौन कौन सी होती है जावास्क्रिप्ट में, ज़रा ये भी बताते हैं, बता दें आप में से कोई। जी रैन, सर कोई 5 वैल्यूज जो फॉल्सी होती है, उसके अलावा बाकी जितनी वैल्यूज होती है वो ट्रू ही होती है। वेल्डन यार, क्या बात है आपकी। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जो तमाम वैल्यूज़ है ना, 7 या 8 जो भी है, ये फॉल्सी वैल्यूज़ कहलाती हैं। एक तो फॉल्स इटसेल्फ फॉल्सी वैल्यू है, 0 किसी भी फॉर्म में लिखा हुआ हो, 0 माइनस में हो, प्लस में हो, या बिग इंटीजर में हो, 0 किसी भी फॉर्म में हो वो फॉल्सी वैल्यू है, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग किसी भी फॉर्म में हो ये फॉल्सी वैल्यू है। नल, अनडिफाइंड, NaN और डॉक्यूमेंट डॉट ऑल, ये तमाम फॉल्सी वैल्यूज़ हैं, इनके अलावा जितनी भी हैं वो ट्रूथी वैल्यूज़ कहलाती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो अगर इस इफ़ को यहाँ पे ट्रू फॉल्स के अलावा अगर कोई भी वैल्यू मिली,
इसको यहाँ पे ट्रू फॉल्स के अलावा कोई भी वैल्यू मिली, यहाँ पे 5 मिल गया, 6 मिल गया, कुछ कुछ -23 मिल गया, ठीक है। तो इसको ये कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा बूलियन में, इस -23 को क्या करेगा, कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा बूलियन में। और कन्वर्ट ये कैसे करेगा, अगर तो ये इनमें से कोई एक वैल्यू है तो इसको फॉल्स में कन्वर्ट करेगा, अगर इनमें से कोई वैल्यू नहीं है तो उसको ट्रू में कर देगा। तो -23 क्या इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर मौजूद नहीं है, इसके अंदर जीरो है, न्यूमेरिक वैल्यू में जीरो है, किसी भी फॉर्म में वो जीरो है। अगर 0.1 भी हो गया तो वो ट्रूथ ही हो गया, वो फिर फॉल्स ही नहीं है, ठीक है। फिर 1, 2, 3, 4 और पूरा इन्फिनिटी तक, और फिर -1, -2, -3 और पूरा माइनस में इन्फिनिट, ये सारे फॉल्स ही नहीं है, ठीक है। फॉल्स ही सिर्फ जीरो है, वो सारे के सारे ट्रूथ ही हैं। तो इसका मतलब है कि ये ट्रूथ ही वैल्यू है। तो इसका मतलब है इसको किस में कन्वर्ट करेगा, ये ट्रू में कन्वर्ट करेगा। तो हमने ये देखा कि ट्रू फॉल्स के अलावा इसको कोई भी नंबर अगर मिल जाए, कोई भी अल्फ़ाबेट मिल जाए, कोई भी स्ट्रिंग मिल जाए, तो उसको क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा। अच्छा, तो इस कन्वर्जन में ट्रू आना चाहिए, तो ये लिखा हुआ जाना चाहिए आई एम एफ बॉडी। देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता, ठीक है। आई एम एफ बॉडी लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब है ये ट्रू हुआ है जब ही ये लिखा हुआ आ रहा है। तो हमने, मेरा ख्याल है कि इफ में हमने अब कुछ छोड़ा नहीं है, सभी कवर कर लिया। इसी तरीके से अगर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। देखें वो कंसोल जो था आई एम एफ बॉडी वो अब नहीं आ रहा है रिफ्रेश करने पर। लेकिन अगर मैं इसके अंदर एक स्पेस डाल दूँ ऐसे, ठीक है, तो क्या होता है, तो ये ट्रू हो गया, ठीक है। सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो फॉल्स ही, अगर एक स्पेस भी उसमें आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, ठीक है। इसी तरह कोई भी बात लिखी भी हो यहाँ पे तो वो भी क्या है, वो भी ट्रूथ ही वैल्यू है, सही है, वो भी ट्रूथ ही वैल्यू है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, आपका जो नल है वो फॉल्स ही है, और जो अनडिफाइंड है, ठीक है, ये फॉल्स ही है, सही है। देखिए वो नहीं चल रहा, असल में दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सिर्फ नल होता है ना, इसके अंदर अनडिफाइंड भी नल के जैसा ही एक है, वो अनडिफाइंड होता है, सही है जी। तो हमने, मेरा ख्याल है, इफ़ को कुछ भी नहीं छोड़ा, इफ़ को हमने अच्छी तरह से क्या कर लिया, कवर कर लिया। अच्छा जी अक्सा, ट्रू और फॉल्स का टाइम्स हम ही डिसाइड कर रहे होते हैं कोडिंग में, कि अगर ये वैल्यू है तो ये ट्रू में आएगी, अगर ये वैल्यू है तो ये फॉल्स में आएगी। तो फिर जावास कितने अपने उसमें क्यों रखा हुआ है कि क्या ट्रू होगा क्या फॉल्स होगा, जबकि हम डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रू होना चाहिए क्या फॉल्स। नहीं, वैसे तो हम डिसाइड करते हैं। मैंने कहा कि यूज़र इनपुट जो जो पिन बंदे ने लिखी है उसकी लेंथ अगर 4 से ज़्यादा हो जाए तो आप ये काम करना, ठीक है। लेकिन देखें, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है, उनका अपना रूल रेगुलेशन होता है, जावा स्क्रिप्ट के अपने रूल रेगुलेशंस हैं। तो अकॉर्डिंग टू द जावा स्क्रिप्ट, कि अगर उसको क्या मिलेगा, ट्रू या फॉल्स के अलावा कुछ और अगर उसको मिलता है तो वो उसको कन्वर्ट करके ट्रू या फॉल्स समझेगा। एट मतलब उसको कुछ ना कुछ, जैसे हम कहते हैं ना कि यार, जैसे आप मार्केट जाते हैं कुछ ख़रीदने जाते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने लेनी है लॉन का सूट लेना है आपने, ठीक है। लेकिन जस्ट इन केस अब लॉन का सूट नहीं अवेलेबल हो रहा मार्केट में, नहीं मौजूद है, ख़त्म हो गया जो आपको चाहिए था, या वो शॉप बंद है आज, तो आप फिर क्या करते हैं, आप फिर कुछ कहते हैं, अच्छा यार उससे करीब करीब कुछ और मिल जाए तो वो आप ले लेते हो, ठीक है। तो इसी तरह जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि अगर उसको ट्रू फॉल्स ना मिले, अगर ट्रू फॉल्स के अलावा नंबर मिल जाए, कोई टेक्स्ट मिल जाए, तो उसको क्या करता है, वो कुछ ना कुछ करके ना करीब करीब बोलता है, अच्छा यार किससे करीब है, ये ट्रू से करीब है या फॉल्स से, तो उसको वो वाला कंसिडर वो कर लेता है, ठीक है। ये जस्ट इन केस है, लेकिन आम तौर पे हम जो इफ़ की कंडीशन है उसको हम ट्रू फॉल्स ही देने की कोशिश करते हैं। आम तौर पे हम ऐसा नहीं करते कि जो है ना उसको हम बिला वजह जो है वो नॉन बूलियन वैल्यूज़ हम पास करें ना, आम तौर पे हम ऐसा नहीं कर रहे होते, ठीक है। अच्छा, अब हमने अगला काम क्या करना है, अब हमने अगला काम ये करना है कि हमें एक अगर बैलेंस डिसाइड करना है। मैंने कहा लेट्स मनी बॉक्स इक्वल्स टू, शुक्रिया,
मनी बॉक्स में पड़े हुए हैं 22,000। सही है, एटीएम मशीन के अंदर मनी बॉक्स पड़ा हुआ है। और दूसरा हमारे पास क्या है, कार्ड लिमिट। कार्ड की जो डेली लिमिट है हमारी वो 20,000 है, ठीक है। और एक चीज़ और है हमारे पास, वो क्या है, अकाउंट बैलेंस 50,000। सही है। अब आपका जो आज का असाइनमेंट है वो ये है कि मैंने ना ये तीन वेरिएबल्स बना दिए, ठीक है, जो कि फिक्स है इस वक्त, जो कि इस वक्त क्या है, फिक्स है। तो अगर बंदा क्या करता है, अगर पैसे विड्रॉ करता है बंदा और इनमें से कोई एक चीज़ ख़त्म हो जाती है तो वो उसको विड्रॉ फिर ना करने दे, सही है। मिसाल के तौर पे मनी बॉक्स के अंदर इस वक्त 22,000 रुपये पड़े हुए हैं, कार्ड की जो डेली लिमिट है वो 20,000 है इसकी, सही है। तो अच्छा, फिर अकाउंट बैलेंस इसका 50,000 है, तो जब बंदा विड्रॉ करेगा, मिसाल के तौर पर मैंने 2,000 विड्रॉ किए, तो 2,000 विड्रॉ करने से क्या होगा, मनी बॉक्स में से 2,000 कम हो जाएगा और अकाउंट के बैलेंस में से भी ये कम हो जाएगा और डेली लिमिट में से भी 2,000 कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मैं 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा विड्रॉ करूँ जब, तो क्या हो, फिर एक पॉइंट पे आके मुझे वो बोले कि नहीं यार, अब आप मज़ीद विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये आपका जो है ना असाइनमेंट है। तो यहाँ पे आपने मज़ीद इफ़ स्टेटमेंट लगा के इस असाइनमेंट को क्या करना है, कम्प्लीट करना है, ठीक है। अच्छा, अगर आपका पिन 5112 के इक्वल हो जाता है तो ज़ाहिर है इस पॉइंट पर आप आगे क्या करेंगे, इस पॉइंट पे आप आगे बोलेंगे कि यार अच्छा पैसे बताओ, अब अपना आप अमाउंट, अब बैलेंस अपना बताओ कि क्या आपको क्या कहते हैं वो चाहिए ना, कितना आपको पैसे, कितने आपको बाहर निकालना है। तो अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे एक अदद यहाँ पे चाहिए होगा डिव, राइट, एक अदद यहाँ पे डिव चाहिए होगा। अब डिव को मैं एक आईडी दे देता हूँ, मैंने कह दिया कि होम स्क्रीन, ठीक है। अभी होम स्क्रीन जो है वो खाली है एक्चुअली। अब होम स्क्रीन के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा कि अगर भाई आपकी पिन मैच हो जाती है तो आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और होम स्क्रीन डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आप पूरा का पूरा एक फॉर्म रखवाएंगे, राइट, जैसा फॉर्म मैंने ऊपर बनाया था ऐसा ही फॉर्म मुझे अब यहाँ पे भी चाहिए। ये मैंने ऊपर से ही कॉपी कर लिया फॉर्म एक्चुअली, सही है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एंटर एंटर योर अमाउंट टू विड्रॉ, सही है, ऐसे करके लिखूँगा मैं। अभी डायरेक्ट ये जो ना विड्रॉल के बारे में पूछ रहा है, जैसे ही आप अगर सही पिन लिखते हैं तो नीचे फ़ौरन ठक करके एक फॉर्म बना हुआ आ जाएगा जो आपसे पूछेगा फ़ौरन कि भाई आप कितने पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है। और इसमें ज़ाहिर है टाइप इसकी भी नंबर होगी, और इसकी आईडी मैं लिख देता हूँ यूज़र इनपुट अमाउंट, अमाउंट लिख देता हूँ, ठीक है, रिक्वायर्ड होगा ये भी। और बटन के ऊपर क्या करूँगा मैं, विथड्रॉ का बटन लिखूँगा, ठीक है, अमाउंट एंटर करके और विड्रॉ का बंदा बटन दबा दे। इस फॉर्म के सबमिट होने पे मैं क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा विथ सही है, विथड्रॉ का ही मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, फंक्शन बना दिया, सही है। अब विथड्रॉ के नाम से ज़ाहिर है नीचे मेरे पास एक और वो चाहिए होगा, मुझे एक और फंक्शन चाहिए होगा जिसका नाम क्या होना चाहिए, विथड्रॉ होना चाहिए, फंक्शन विथड्रॉ, सही है। अब इस विड्रॉ फंक्शन के अंदर मैं क्या करने लगा हूँ, मैं मनी बॉक्स में चेक करूँगा सबसे पहले ना। तो ये अब जो मज़ीद तीन इफ़ है ना, ये अब आपने लगाना है, ठीक है। मिसाल चलो एक इफ़ मैं यहाँ पे भी लगा के बता देता हूँ,
कि अगर बंदे ने ना जो भी अमाउंट एंटर किया है, अच्छा ज़ाहिर है वो अमाउंट भी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से उठाना पड़ेगा। क्या मैंने इसको आईडी दे दी, यूज़र इनपुट अमाउंट दी थी ना, मैंने कहा कि यार डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर यूज़र इनपुट अमाउंट डॉट वैल्यू को उठाओ, सही है, और लेट लेट अमाउंट इक्वल्स टू दिस, राइट। जो भी बंदे ने अमाउंट एंटर किया दोबारा सबमिट होगा तो ये ग्लोबल वेरिएबल रीइनिशियलाइज नहीं, जब तक आप पेज को रिफ्रेश नहीं करेंगे ये ग्लोबल वैल्यू दोबारा से रीसेट नहीं होगी। बगैर पेज रिफ्रेश किए अगर आप विड्रॉ करते जाएं उसको तो वो होता जाएगा ना, सही है। अच्छा अब हमने क्या करना है, मैंने कहा कि यार अमाउंट अगर क्या हो गई, अमाउंट अगर बड़ी हो जाए, किससे बड़ी हो जाए, मेरे पास क्या क्या यहाँ पे चीज़ मौजूद थी, तीन चीज़ें मौजूद थी मेरे पास, अगर अमाउंट बड़ा हो जाए किससे हो जाए, डेली लिमिट से या मनी बॉक्स से, अमाउंट अगर बड़ा हो जाए, उल्टा लिख दिया था मैंने, मनी बॉक्स जो है वो 2200 है उसके अंदर, तो मनी बॉक्स से अगर बड़ा हो जाए अमाउंट तो क्या करूँगा मैं, तो मैं ये बताऊँगा कॉन्सोल डॉट, अभी तो मैं कॉन्सोल पे लिख रहा हूँ लेकिन आपने ये स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है कि भाई दिस मशीन डोंट हैव इनफ मनी, प्लीज़ ट्राई स्मॉलर अमाउंट, ठीक है। तो इस तरह आपने यहाँ पे एक इफ़ लगा दिया कि अगर ये इससे बड़ा है, इसी तरह आपने तीन इफ़ लगाने हैं जो तीनों को चेक करेगा कि हाँ यार किसी एक से बड़ा तो नहीं हो रहा, और जब ये तीनों चेक आपके सही जाते हैं, अगर मिसाल के तौर पर 2000 अगर मैं लिखता हूँ तो ये तीनों चेक सही जाएंगे, तो उसके बाद इनमें से 2000 माइनस भी हो जाना चाहिए, ठीक है, मनी बॉक्स में से भी 2000 माइनस होने चाहिए, कार्ड की डेली लिमिट में से भी और अमाउंट के अकाउंट के बैलेंस में से भी, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट कोड है, अब यहाँ पर आपने टू डू लगा रहा हूँ मैं, कंप्लीट दिस कोड, राइट। ये आपका जो है वो आज का असाइनमेंट है कि विदड्रॉ का जो फंक्शन है उसमें कुछ इफ़ के स्टेटमेंट मैंने पिन चेक करते हुए लगा दिया था, अब आपने क्या करना है ये विदड्रॉ का फंक्शन जो है इसको कंप्लीट करना है, और इसको मैं चला कर देखूँगा विदड्रॉ के फंक्शन को, ये सही चलना चाहिए। अच्छा और फिर क्या मैं बोलने लगा था एक बार, हाँ इसमें आपने एक चीज़ और भी लिखनी है, क्योंकि ATM की मशीन में ना 500 से छोटा नोट नहीं होता, ठीक है, तो अमाउंट जो भी बंदे ने एंटर किए ना उसको क्या होना चाहिए, 5 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, यानी 500, 1000, 1500, 2500, 5000, ये अमाउंट होना चाहिए। ये 1781 लिखे ना अगर कोई, तो उसको आप मना कर दें कि यार आपने इनवैलिड अमाउंट एंटर किया है, ठीक है, तो ऑल्सो चेक इनवैलिड अमाउंट, सही है, अमाउंट शुड बी मल्टीपल ऑफ 500, राइट। अमाउंट जो भी बंदा एंटर कर रहा है वो 500 का ही मल्टीपल होना चाहिए, उसके अलावा अगर कोई अमाउंट एंटर किया है किसी ने तो वो अमाउंट क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है ATM मशीन के लिए, और वो ATM मशीन जैसे ही उस अमाउंट को चेक करेगा कि इसने ऐसा अमाउंट डाल दिया तो वो वहीं से आपको भगा देगा, बोलेगा नहीं भाई आपने अमाउंट गलत एंटर कर दिया, ठीक है जी। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को एंड करते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी अगली क्लास में, और असाइनमेंट आई होप के सब लोग बना कर लाएंगे। अच्छा जो लोग असाइनमेंट नहीं बनाएंगे उनको ये अभी महीना आई थिंक की लास्ट ही क्लास है जिस महीने की, तो हम उनको एलिमिनेट भी करेंगे, राइट। तो असाइनमेंट बनाना ज़रूरी है अगर आप इस कोर्स में सर्वाइव करना चाहते हैं, तो आपके लिए असाइनमेंट बनाना ज़रूरी है, ठीक है जी। और जी ये मैं अभी इंशाल्लाह अपलोड पे लगा दूंगा जी। हाफिज सर ये VS Code के अंदर ये पूछा था आपके जो ऑटो सजेशन आ रहे ना, ये हाँ यार ये कोपायलट, हाँ GitHub कोपायलट था पहले, अभी ये टैब 9 करके ना एक इंस्टॉल किया है मैंने, इसकी सजेशन कोई इतनी अच्छी तो नहीं है, बड़ी वाहियात किस्म की सजेशन देता है ये, लेकिन ये है कि बस अभी इसकी आदत हो गई है GitHub कोपायलट की वजह से, तो ना ये मैंने किया हुआ है फ़िलहाल के लिए। आई होप कि इसका कोई बेहतर अल्टरनेटिव जो कि टैब 9 से बेहतर हो वो बहुत जल्दी हमें कोई देखने को मिलेगा। GitHub को पायलट ये फ्री है फिलहाल के लिए।
ठीक है जी। और इस कोड को मैं फ़ौरन पुश कर देता हूँ, क्लास कोड। चले जी, अल्लाह हाफिज़।